पृथ्वी लक्ष्य पूरा करके जाना है, तो पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मन को आप अपना बनाओगे। अपना में ए अकंप के लिए आता है, मन ये अकंप बन जाएगा, पी पर प्रेमन बन जाएगा, एन पर निर्मल बन जाएगा, और आखिरी ए पर आज्ञाकारी, अपना। अपना लक्ष्य प्राप्त करो, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करो, तो उसके लिए व्यवस्था है। शरीर आपको दिया गया है, इस व्यवस्था का पूरा फायदा लेकर जाओ, अटको नहीं उसमें। असली बात नहीं पकड़ी तो बाहर की बातों में रह जाओगे। जैसे कोई इंसान मंदिर में जाता है दर्शन करने, पहाड़ी पर जाता है, बड़ा मंदिर है, वहाँ पहुँचता है और पहुँचते ही कोई कहता है कि देखो मंदिर के बाहर जो पिलर है, बड़े बड़े मोटे मोटे पिलर्स, खम्भे, इस पर देखो क्या क्या है। आप जानते हैं खम्भों पर डिज़ाइन होती है, खम्भों पर कुछ लिखा रहता है, कुछ चित्र होते हैं, तस्वीरें होती है। लोग जाते इजिप्ट में, जाते हैं मिस्र में, अलग अलग जगहों पर, वो सब देख कर आते, फोटोज़ निकाल कर आते। तो ये पर्सन जाता है और खम्भे पर क्या चित्र है, स्वर्ग कैसा होता है, नर्क कैसा होता है, नर्क में ऐसे आग में जलाते हैं, स्वर्ग में ऐसे दूध की नदियाँ, शराब की नदियाँ बह रही है, वैसे चित्र बने हुए। तो पूरे खम्भे की स्टडी करके वापस घर आ जाता है, दूसरे दिन वापस जाता है, दूसरे दिन कोई दूसरा प्लेयर दिखाता है, ये देखो, तो उसमें कर्म भाग्य की थ्योरी लिखी हुई है, तो वो उसमें लगा रहता है, कौन से कर्म करने से क्या होता है, किस पर्सन ने कौन सा कर्म किया, अगले जन्म में क्या बना, ये बना वो बना, कथाएं भी चलती रहती ना, इसने इसका जन्म लिया, उसने उसका जन्म लिया, सब लिखा हुआ है, वो सब पढ़कर वापस आ जाता है। तो हर दिन एक एक प्लेयर की स्टडी करके आ रहा है, दर्शन हुआ नहीं, जिस बात के लिए गया वो हुआ ही नहीं, और उसको लग रहा है कि मेरी यात्रा चल रही है, मेरा दर्शन चल रहा है, और अंत में क्या पता चला, पृथ्वी लक्ष्य मिला ही नहीं, दर्शन हुआ ही नहीं, स्वदर्शन हुआ ही नहीं। ऐसी गलती ना हो जाए। जैसे एक पर्सन तोता लेकर आया घर में बोलता हुआ, दुकानदार से पूछा कि ये बोलता है क्या, तो दुकानदार ने कहा बिल्कुल बोलता है। उसने पिंजरे को हाथ लगाया तो तोते ने कहा इसमें कोई शक, खुश हो गया, अरे वाह तोता बोलता है, लेकर आ गया घर में, सबको बताया ये मैं बोलता हुआ तोता लेकर आया हूँ। बच्चों ने तोते से पूछा कि तुम बोल सकते हो, उसने कहा इसमें कोई शक, तो हाँ ये तो बोल रहा है। फिर उससे पूछा गया पेरू खाओगे, तो कहता है इसमें कोई शक, तो पेरू ला कर देते हैं। उसको बोलते हैं कि पहले तुम कहाँ रहते थे, इसमें कोई शक। हर सवाल का वही जवाब दे रहा है। उसको एक ही पंक्ति आती थी, एक ही पंक्ति सिखाई गई थी, और उसको बोलता हुआ तोता समझ कर लेकर आ गया पर्सन। पता क्या चला कि वैसा वो था ही नहीं। तो लोग पूरा जीवन अलग अलग कर्मकांडों में बिता देते हैं, अंत में पता चलता है इन कर्मकांडों से पृथ्वी लक्ष्य नहीं मिलता। शिव का तीसरा नेत्र संकेत था, गंगा बह रही है, गंगा को बांध के रखा है, यानी ज्ञान को बांध के रखना आना चाहिए। ज्ञान की वजह से अहंकार न बढ़े, ज्ञान को संभालना आना चाहिए। ज्ञान जितना देना है उतना ही देना है, गंगा जितनी बहनी चाहिए उतनी ही देनी चाहिए, वरना गंगा में लोग डूब जाएंगे, उसमें ही समाप्त हो जाएगी पृथ्वी। तो शिव के द्वारा या गणेश के द्वारा ये चित्रों में क्या दिए गए संकेत, कि संकेत समझो। बड़े बड़े कान हैं गणेश के, तो लोग सोचेंगे बड़े कान हैं तो हमारी प्रार्थना जल्दी सुनेगा, मगर उनको ये समझ नहीं आती कि वो मूर्ति बता रहे तुम अपने कान बड़े करो, श्रवण करो। पर्सन सोचता है उस ईश्वर को जरूरत है उस चीज की, जिस ईश्वर के लिए दिखाया गया ना सब,
उसको जरूरत है, अरे उसको जरूरत नहीं, ये हमारे लिए संकेत है जो देख रहा है कि उस मूर्ति में जो गुण हैं वो तुम्हारे अंदर आ जाए, क्योंकि जिस चीज़ पर फोकस करोगे वो आप में आ जाती है, नियम है ये। तो जिन्होंने मूर्तियाँ बनाई वो रहस्य जानते थे, मगर बाद में वो लुप्त हो गई बातें, तो कुछ लोग तोड़ने में लग गए मूर्तियाँ, कुछ बनाने में लग गए, और दोनों के झगड़े चल रहे, कुछ मूर्ति पूजा को मानने वाले कुछ नहीं मानने वाले, दोनों झगड़ने लग गए। उनको पता ही नहीं है कि वो एक ही फिल्म देख रहे हैं, इंटरवल के पहले देख रहे हैं, कुछ लोग इंटरवल की पहले की पिक्चर और कुछ लोग इंटरवल के बाद की पिक्चर, कुछ लोग आकार को मानते कुछ लोग निराकार को मानते। आकार को मानने वाले भी पिक्चर वही देख रहे हैं, इंटरवल के पहले का देख रहे, निराकार को मानने वाले इंटरवल के बाद का देख रहे, मगर इंटरवल में झगड़ा कर रहे इंटरवल में झगड़ा कर, मेरी पिक्चर ज़्यादा अच्छी, वो बोला नहीं मेरी पिक्चर अच्छी है। तो कोई उसको समझाए, एक ही फिल्म है, एक ही डायरेक्टर है, उस फिल्म का एक ही डायरेक्टर है, तुम दो फिल्में नहीं देख रहे हो। कुछ लोग ज्ञान को मानते कुछ भक्ति को मानते, भक्ति वाले कहते ज्ञान नहीं भक्ति इम्पोर्टेंट है, ज्ञान वाले कहेंगे भक्ति नहीं ज्ञान इम्पोर्टेंट है, दोनों के झगड़े चलते रहते, मगर ये एक ही फिल्म है। ज्ञान आने के साथ भक्ति स्वतः आएगी, भक्ति आने के साथ ज्ञान खुलेगा। तो झगड़े का कोई पार्ट ही नहीं था, एक ही फिल्म देखी जा रही, मगर लोग झगड़ते हैं, कर्मकांडों में उलझते हैं। तो मैं कौन हूँ का आईना, हु एम आई ना यूज़ करना शुरू करेंगे, ये सारे रहस्य जो आज बुद्धि से जान रहे हैं खुद के अनुभव से जानोगे। फिर क्या आपसे गलती होगी, क्यों नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि आप हर निर्णय के पहले जान रहे हो मैं कौन हूँ। जैसे बच्चों को खुश करने के लिए बगीचों में या मॉल में कहीं पर मेले में एक पर्सन होता है जो खाल पहनकर, जानवर की खाल पहनकर खड़ा रहता है, बच्चे खुश होते। तो एक आदमी है जिसने शेर का नकाब पहना है, शेर की खाल, और वो खड़ा है उधर, बच्चे खुश हो रहे हैं उसके साथ, हाथ मिला रहे हैं। अब ये शेर के अंदर इंसान है, ये कैसे काम कर रहा है, वो शेर बनकर एक्टिंग कर रहा है, मगर क्या ऐसा होगा कि वहां से कोई गाय जाएगी तो उसके ऊपर छलांग लगाएगा, क्या ऐसा होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि वो जान रहा है मैं शेर नहीं मैं इंसान हूं। अंदर से उसको वो जानकारी है, अंदर से वो जान रहा है कि मैं कौन हूं। वो एक पल के लिए भी भूलता नहीं है, इतनी ही क्लियरिटी, आप कौन हो, ये क्लियरिटी। फिर आप जो झपटते हैं किसी और से छीनने के लिए, अरे उसके पास मेरे पास क्यों नहीं, ये सब समाप्त होता है, ये ऑटोमेटिक होगा। सत्य जानने के साथ ये स्वतः ही चीजें होने वाली हैं। जब तक असली बात नहीं समझ सकते ना, तब तक फिर बताया जाएगा नहीं दूसरे से मत छीनो, नफरत मत करो, प्रेम से रहो, तब तक ये बताना पड़ेगा, व्यसनों में मत जाओ, ये मत करो, मगर धीरे धीरे समझ आती जाएगी कि शरीर मंदिर है, इसमें क्यों नहीं व्यसन डालने, क्योंकि ये आईना बनेगा। जितना व्यसनों से मुक्त होते जाएगा वैसे वो सुंदर आईना बनते जाएगा, इसलिए उसको व्यसनों से दूर करना, ये टेम्पल शुद्ध हो। महाआसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या, क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। पहले जब आई थी तो मन में ऐसे बहुत सारे विचार चलते रहते थे ऑल टाइम, ये वो कुछ तो भी चलता रहता ही था, और खुद का कंट्रोल नहीं रहता था मन पे। तो अब
अब जो ऐसा लग रहा कि आई कैन कंट्रोल माई माइंड वेरी नाइसली एंड अभी जो खुशी महसूस हो रही है वो पहले नहीं लगती थी, मतलब इतना खुश तो पहले कभी महसूस नहीं हुआ, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हर एक मोमेंट अब हम प्रेजेंट में रहना सीख चुके हैं। हमेशा जो मन इधर उधर कूदता रहता था, हमेशा पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में या कल्पना करता रहता था, प्रेजेंट में रहते ही नहीं थे कभी। तो अब प्रेजेंट में रहना बहुत अच्छे से सीख गए। और आज के यंगस्टर्स तो पता है व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा इसमें ही अटके हुए रहते थे, तो 5 दिन मैंने विदाउट मोबाइल निकाले है और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने मोबाइल यूज नहीं किया है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9921008060 अथवा 9921008075। वेबसाइट www.tejgyan.org, ईमेल mail@tejgyan.com। हमारे YouTube चैनल तेजज्ञान को आज ही सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org।